स्टोरी लाइन सब कुछ. द मूवी इज प्रीटी नाइस. मूवी अच्छी थी. अच्छी है. फर्स्ट हाफ ज्यादा फनी था, बाकी तो बाद में इमोशनली थी. ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड मूवी. ऑब्वियसली माय लव फॉर शाहरुख खान वाज ओवरऑल द प्लेस. वो उसको फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है वो एक नया चीज देखने को मिला है. वो मुझे बहुत टचिंग और अच्छा लगा है. कॉमेडिक पंचेस अच्छे थे. केमिस्ट्री बिटवीन शाहरुख एंड तापसी इट वाज वेरी जेन्युइन एंड कंफर्टिंग. स्टोरी यही चीज तो मुझे स्टोरी की अच्छी लगी. या आई वुड रेट इट अ गुड 4.8 आउट ऑफ 5. 4 3. I liked the movie. It was really good. Like the storyline, सब कुछ सारे elements थे. Comedy था, tragedy था, suspense था, thrill था. तो overall it was a very good movie. Okay, ratings? I'd give it a 4.5 out of 5. Comedic punches कैसे? Comedic punches अच्छे थे. Like वो एकदम से emotions switch हो रहे थे. तो वो अच्छा था overall movie. I liked the movie. कैसी लगी? The movie was pretty nice. It was up to my taste and I loved the comedy part as well as the dramatic part. And may obviously my love for Shahrukh Khan was over all the place. And I was crying at the end. The switches between the emotions was very well balanced and everything was really nice. I loved the cinematography as well. And Shahrukh, Vicky Kaushal, Tapsee. Yes. On-screen chemistry. I really loved the chemistry between Shahrukh and Tapsee. It was very genuine and comforting. And small details about Tapsee's overall look and the small over safety pin and her casual. It was very relatable. And the princess. Yeah, I would rate it a good 4.8 out of 5. First half was more funny, the rest was emotionally. The rest overall theek hai, one time watch. Stars kitne denge aap 5 mein? 4. और स्टोरी लाइन अच्छी है. ये बताया गया कि बाहर नहीं जाना चाहिए इंडिया में. मूवी अच्छी थी. मूवी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने सब्जेक्ट टच किया है डोंकी का. जो विदेश बच्चे जाते हैं पढ़ाई के वजह से नहीं जा पाते हैं, वो पैसों की कमी के लिए, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, और जिन रास्तों से, जिन तकलीफ़ों से होके जाते हैं, और जिस तरह की ज़िंदगी उनको वहाँ पहुँच के मिलती है, वो उसको फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है वो एक नया चीज़ देखने को मिला है. वो मुझे बहुत टचिंग और अच्छा लगा है. 3.8. स्टोरी यही चीज़ तो मुझे स्टोरी की अच्छी लगी. बाकी तो मुझे एक्टिंग वगैरह जैसे नॉर्मल वो एक्टर्स करते हैं वैसा ही कुछ बहुत बढ़िया नहीं लगा, लेकिन मुझे सबसे टचिंग लगी इसकी फिल्म की स्टोरी.